आजकल दांतों की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है और इन पर ध्यान देने की जरूरत है। पेश है सिराज डेंटल क्लिनिक, वन ऑफ द बेस्ट डेंटल सर्विस इन अमृतनगर मुमरा, वो भी आपके बजट में। स्पेशलिस्ट इन टीथ वाइटनिंग, रूट कैनल, टीथ इम्प्लांट एक्सट्रैक्शन, अल्सर्स, ब्रेसेस, ब्रिज एक्सरे, फुल माउथ डेंचर। सीवियर ओरल प्रॉब्लम के लिए सर्जन भी अवेलेबल है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज। ओरल केयर एडवाइस, एंटी टोबैको एंड कैंसर अवेयरनेस विद एक्सपर्ट डॉक्टर रिदा इफत, डॉटर ऑफ डॉक्टर शिराज खान। सिराज डेंटल क्लिनिक, जहां हर मुस्कान अनमोल है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र में ड्रग्स की सप्लाई का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने करोड़ों रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है। आपको बता दें कि 16 मार्च 2024 को यूपी के वाराणसी जिले के भगवतीपुर में एक फैक्ट्री पर छापा मारकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित भगवतीपुर फैक्ट्री में उत्तर प्रदेश एसटीएफ और ठाणे क्राइम ब्रांच पुलिस टीम ने छापामारी कर यहां फैक्ट्री से 2,64,50,000 रुपये कीमत के तैयार एमडी यानी कि मेफेड्रिन पाउडर यहां पर जब्त किया है। फैक्ट्री के पास मिली हुंडई कार से 2,645 किलोग्राम मेफेड्रिन का वजन बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल में मेफेड्रिन, मिथाइल माइन, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लेट्स, हाइड्रोक्लोनिक मेथला परूपी पाउडर, हॉट एयर ओवन जार, मैग्नेटिक लैपर मिनी और टकर मिसर आदि नशीली पदार्थ बनाने वाली सामग्री शामिल है। इसके अलावा पुलिस ने 25 करोड़ रुपए मूल्य का 25 किलो कच्चा और आदि सामग्री माल जब्त किया है। क्राइम ब्रांच यूनिट एक की टीम ने ठाणे काशर बडोली पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं यूपी पुलिस की एसटीएफ टीम ने की मदद से आरोपियों को वाराणसी के भगवतीपुर स्थित एक फैक्ट्री में रेड कर गिरफ्तार किया गया और दोनों ही आरोपी को नज़दीकी कोर्ट में पेश किया गया और उत्तर प्रदेश से ट्रांजिट रिमांड लेकर ठाणे कोर्ट में लाकर उन्हें पेश किया गया। गिरफ्तार हुए आरोपियों के नाम है अलकुमार सिंह जिसकी उम्र 36 साल है, दूसरा आरोपी संतोष गुप्ता उम्र 38 साल है। दोनों ही आरोपी को 16 मार्च को गिरफ्तार किया गया और ट्रांजिट रिमांड पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यूपी की अदालत में इन्हें पेश किया गया और वहां से अपराध शाखा यूनिट एक की पुलिस टीम को इन्हें सौंप दिया गया। करोड़ों रुपए के ड्रग्स के मामले में अपर पुलिस आयुक्त डॉक्टर पंजाब राव उगले ने क्या कुछ जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। मास्टरमाइंड है मोनू, हा मुख्य तो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग आणि सप्लाय हा विषय तो बघत होता, त्यामुळे त्याच्याकडे माहिती घेतल्यानंतर किंवा त्याला अटक केल्यानंतर ह्या त्याचा मॅन्युफॅक्चरिंग, त्यामुळे फॉर्म्युलेशन कसं करायचा, त्यानंतर ट्रेडिंगचा पार्ट कसा होता आणि सप्लाय कुठे कुठे केला, या प्रश्नाची की उत्तरे आपल्याला निश्चित मिळतील। एकूण किती आरोपी आहेत सर? आतापर्यंत 6 आरोपींना अटक करण्यात आली। म्हणून याचं वय किती आहे आणि याचे शिक्षण वगैरे काय होतं, याचं म्हणजे तुम्ही शिकलेला कुठं होता, बॅकग्राऊंड काय होतं? मोनोबद्दल अजून एवढी डिटेल्स माहिती नाही आलेली,